वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हल्द्वानी फिंचेस कनूर। हल्द्वानी फिंचेस कनूर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए व्यूअर्स, आज हम आपको परिंदों का शौक कराते हैं बजरिया। और मैं आज कॉलोनी में से मटकी हटाता हूँ और मटकी हटाने का सही तरीका क्या है और मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम तो व्यूअर्स, मैं भी क्या करता हूँ, अगर हम कॉलोनी में से मटकी हटाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं मटकी हैं जो इसमें अंडे होते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे होते हैं। अगर गर्मी है चल रही इस टाइम, तो गर्मियों में तो मटकी हटा देनी चाहिए, तो मैं तो हटा दिए मटकी। और मैंने 5-6 मटकियाँ हमारे पास लगी हैं, इसमें काफ़ी के भी बड़े बच्चे हैं अभी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। अगर मैं मटकी हटाता हूँ तो ऐसा नहीं करता हूँ कि मैंने मटकी हटा दी सीधी और फीमेल वहीं छोड़ दी मैंने, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं ये देखता हूँ फीमेल अंडे देने वाले दूसरा के, तो उसकी मटकी मैं हटा देता हूँ फ़ौरन। तो मैं कैसे हटाता हूँ, जैसे फीमेल मटकी के अंदर गई, और जैसे मटकी के अंदर गई, मैंने उसकी मटकी के मुंह पर हाथ लगा के फीमेल सुन दी मटकी बाहर निकाल दी। तो फीमेल को भी मैं कॉलोनी के अंदर नहीं रहने देता हूँ, जो फीमेल होती है उसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ कॉलोनी से। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिसकी हमने मटकी हटाई है वो जो फीमेल है वो दूसरी मटकी पर कब्जा करेगी। अगर उसके अंडे हुए, दूसरी मटकी के अंडे हुए या बच्चे हुए, तो वो उनको मारेगी, और या फिर आपस में दोनों मादी मादी फाइट करेंगी, काफ़ी नुकसान हो जाएगा इससे आपका। बच्चे तो जाए होंगी होंगे, लेकिन मादी जो मादी आपस में हैं वो भी फाइट करेंगी आपस में, वो भी नुकसान हो सकता है आपका। तो मेरा कई बार ऐसा नुकसान हो चुका, तो मैं इस बार ऐसा नहीं करता हूँ। मैं तो अब तो सीधा जब भी देख लिया मटकी में से अगर बच्चे निकल गए हैं और दूसरा के अंडे देने वाली, तो मैंने फीमेल और मटकी सुंदर बाहर निकाल देता हूँ। तो अभी जो मेरे यहाँ पे जो ब्रीड चल रही है 4-5 मटकियों के अंदर, वो भी आपको दिखाता हूँ मेरे कितनी ब्रीड चल रही है। और अभी जो है लेट भागो भी है, आप देख सकते हो ये जो परिंदे हैं मेरे थोड़ा हाँप रहे हैं काफ़ी ये, और लेट काफ़ी टाइम की भागो भी है। आज दोपहर का 1 बज रहा मैं देखने आया था, तो देखता हूँ कितने हाँप रहे हैं कितने नहीं हाँप रहे हैं। अभी आया तो ये काफ़ी हाँप रहे हैं इस टाइम तर परिंदे मेरे, क्या कर सकते हैं। लाइट का तो वही हमारे हाथ में है नहीं, इन्वर्टर यार यहाँ पे है नहीं, दूसरे वाले मकान में लगाओ इन्वर्टर है, इसमें नहीं है। तो देखते हैं व्यूअर्स लाइट कितनी देर में आती है। तो आइए व्यूअर्स, मैं कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ जो हमारे कोने वाली मटकी है, वहीं से शुरुआत करता हूँ हर बार की तरह। तो इस बार भी वहीं से दिखाता हूँ आपको कितनी ब्रीड चल रही है इसके अंदर। जो आपको जो कोने में मटकी यहाँ पे जो मटकी थी वो सारी हटा दी हैं, एक कोने की मटकी बची है उसके अंदर कितनी ब्रीड चल रही वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर 3 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह, और एक अंडा ख़राब हो गया है ये देखिए। अगर हम मटकी फीमेल को नहीं हटाते तो वो जो फीमेल थी इस मान के बच्चों को मार देती, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। और उसके बाद एक मटकी यहाँ लगी है, वाइट फीमेल है इसके अंदर, बहुत ही शानदार वाइट फीमेल है मेरे पास ये देखो, इसके अंदर निकाल लेता हूँ। तो अभी जो मटकी के हाथ नहीं पहुँच पा रहा हूँ वहाँ तक, मैं एक बार मटकी नीचे उतार लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मटकी मैंने नीचे उतार ली और माशाल्लाह इसके अंदर भी दो बच्चे हैं और 4 अंडे हैं अभी। इसको मैं वहीं टांग देता हूँ। इसके पास में एक मटकी और लगी है यहाँ पे, इसके अंदर भी देख लेते हैं कितने बच्चे हैं।
तो देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर भी माशाल्लाह देखो तीन बच्चे हैं और काफ़ी बड़े हो गए बच्चे। लगता है मुझे फाइट इसके अंदर भी हुई है, खून दिखा दे रहा है मुझे ताज़ा ताज़ा। बच्चों को आन के मारा हुआ किसी ने, तो देखिए इसके अंदर भी खून लगा है। अगर हम नहीं हटाते तो ये काफ़ी बच्चों को मार सकती थी और भी। तो अभी मैंने इसको वहाँ टांग दिया मटकी को, उसके बाद बगल में एक मटकी और लगी है। इसके अंदर भी माशाल्लाह तीन बच्चे हैं और एक बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया। और उसके बाद पास में एक मटकी और लगी यहाँ पे, देखिए व्यूअर्स इसके अंदर भी तीन बच्चे हैं। और मटकी थोड़ी गीली हो रही है, तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी तो इसलिए मैं कॉलोनी में आ नहीं पाया। और एक बच्चा कमज़ोर है इसके अंदर, कोई बात नहीं अब मैं आ गया हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, बच्चा कमज़ोर है, मटकी गीली है और आप देख सकते हो कि मेरी आवाज़ भी काफ़ी झंझरा के निकल रही है, आवाज़ भी साफ़ नहीं है मेरी, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अभी इसके बाद जो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास फीमेल जो होंगी काफ़ी सारी, मैंने इस सेट में छोड़ रखी जाए वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने छोटी कॉलोनी बना रखी है बगल में इसके, तो देखिए ये वहाँ पे सारी फीमेल मैंने छोड़ रखी हैं, जितनी मटकी मैंने वहाँ से हटाई हैं और सीधा यहाँ इसके यहाँ पे लाके छोड़ ली मैंने मटकी। और यहाँ पे भी अंडे पड़े हैं, आपको ये दिखा दे रहा हूँ, तीन अंडे यहाँ पड़े हैं और एक अंडा यहाँ ठीक सामने पड़ा है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये फीमेल मेरे पास हैंगी, तो अगर जो इसका जोड़ा होता तो इसके बगल में जो जाली है वहीं आन के छिप जाता नर भी। इससे यह होगा कि जोड़ा भी ख़राब नहीं होगा मेरा। जैसे मैंने इसके पास में कॉलोनी के पास में मादी को छोड़ रखा, फीमेल जितनी छोड़ रखी मैंने यहाँ से, इससे यह होगा हमारा जो जोड़ा है बना बनाया रहेगा और बिगड़ सही होगा नहीं, जोड़ा नहीं टूटेगा। दूसरा यह है अगर हम जैसे हफस अभी हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, लेट भाग गई है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, जो नाई का फारा होता है हमारे पास, इस नाई के फारे से हम पानी भर के 2 लीटर की बोतल में या 1 लीटर की बोतल में इस तरह से हम पानी का छिड़काव कर सकते हैं परिंदे के अंदर, कॉलोनी के अंदर। तो उससे ये होगा जो आप परिंदे आपके नहा लेंगे तो काफ़ी ठंडक हो जाती है। नहाने के बाद तो हर आदमी काफ़ी खुश हो जाता है और मुझे तो बहुत ही हल्का लगता है नहाने के बाद। तो ये देखिए मैंने इस पानी छिड़काव कर रहा हूँ तो काफ़ी खुश होकर नहा रहे हैं मेरे पास। और इसके अंदर यहाँ पे हमारी फीमेल जो होंगे इसके ऊपर भी छिड़काव कर दूंगा पानी का मैं अभी, कुछ मैं खोलता हूँ अभी इसको। तो देखिए व्यूअर्स हमारी जो परिंदे हैं, अभी मैंने पानी का छिड़काव करा तो अभी काफ़ी खुश हैं, 2-4 मिनट के बाद आया मैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने परिंदों का ख्याल रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।